हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं निधि फिर से आ गई हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो लेके। उम्मीद करूँगी आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। नए दिन से नए ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है और फाइनली आज तो धूप आ ही गई है। कल रात में इतनी ख़तरनाक वाली बारिश हुई थी ना, तो अभी फ़िलहाल मौसम सही है, धीरे धीरे खुल रहा है मौसम। अभी तक तो बादल ही लगे थे। तो आज यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, कल से ससुराल से ब्लॉग स्टार्ट होगा क्योंकि आज मायके की छुट्टी ख़त्म होने वाली है। आज ससुराल को वापसी है तो अभी जाएंगे। फ़िलहाल तो अभी घर का काम करते हैं, घर में भी काम हुआ तो मम्मी पहुंचाने आ रही है अल्मोड़ा तक। वहां से अंजू मार्केट आ रहे हैं ना, तो उनके साथ जाऊंगी। बाकी अभी तो ऑक्सी स्कूल चले गया है और पापा गए हैं नीचे, अभी काम कर लेते हैं अपना टाइम से। ये बाट का भेटी भैया अभी मैं और मम्मी बना रहे हैं पूरी। यहाँ पे पूरी बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतनी ख़तरनाक धूप लग रही है यहाँ पे और चूल्हे की आग भी लग रही है। तो फटाफट से बनाते हैं। वैसे तो हमने आधे बना लिए हैं, अब थोड़ा ही बचे हैं। यहाँ की पूरी अभी मालपू की तरह ही हो रहे हैं। देखो मम्मी और मैं ही बना रहे हैं। इसमें अब जगह भी नहीं है क्योंकि सारी पूरियाँ ना फूली है, एकदम मालपू दिख रहे हैं। वैसे मम्मी का काम ये वाला है। बाप रे, यहाँ पे बनाना इतना मुश्किल हो रहा है ना, अब काफ़ी गर्म होने लगा है। हमने ये काम जल्दी स्टार्ट इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ पे धूप बढ़ रही है। फिर सबसे पहले पूरी वाला ही काम निपटाते हैं। चलो पापा चले काम में और हम यहाँ। ये है मेरी लास्ट पूरी। मम्मी तैयारी कर रही है पकौड़ी बनाने के लिए। ये देखो पूरियाँ हमारी तैयार है। आज थोड़ा बहुत वहाँ के जैसे लग रहे हैं ये भी। गर्मा गर्मा वैसे पूरी अच्छी होती है, बाद में तो ये ठंडी हो जाती है। तैयार, अभी मैं तैयार हो गई हूँ, तैयारी हो गई है जाने की। तो मैं तो तैयार हूँ, अभी थोड़ा बुरा लग रहा है, अम्मा इमोशनल हो गए अभी से। तो भी मम्मी तैयार हो रही है, बाकी इतना भारी हो गया है ना बैग, यहाँ से सामान एक्स्ट्रा बन ही जाता है। तो अब चलेंगे, आज छुट्टी ख़त्म। वैसे इतने दिन यहाँ रहने से मम्मी का काम हो गया, ये सही है। हम लोग तैयार हो गए हैं, बाकी मैं और मम्मी जाएंगे यहाँ से, और करम भी आ रहा है तो हमारी हेल्प हो जाएगी सामान ले जाने में, क्योंकि मडवा भी लेके जाना है। बाप रे, ये काफ़ी ऑफर निकलने वाली है आज। पहले से हमारे दो बैग तैयार है, फिर मडवा होगा, अब चलेंगे। चलते हैं, चल तो है, चल आओ मूल जल्दी पहला बैठ के जा। ओ चल दुखी नहीं आप बोलियो, हाँ चल भैरो। हाँ अब चलते हैं, अम्मा ज्यादा इमोशनल हो जाती। पहला चाची अब चलते हैं, मिलेंगे ना यार। चलो मिलेंगे आप, चलते हैं हम। एक बैग हमारा करण लेके जा रहा है, बाकी मम्मी लेके जा रही है मडवा, और एक बैग मेरे पास है। तीनों ही बैग ना काफ़ी भारी हुए हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मम्मी को ही होगी जो मडवा लेके जा रही है। और आज तो ऐसी धूप है, बादल भी नहीं लग रहे। अब चलते हैं हम, बाकी अम्मा हाँ अकेली है भी, उसको बुरा लग रहा है, ऐसे लगता ही है ज़्यादा रह के। अब हम चलते हैं। अभी हमारे यहाँ पे रेस्ट टाइम चल रहा है। बाप रे, घर से यहाँ लाने तक ना आफत निकल गई है। वैसे तो मम्मी लाई थी, अभी थोड़ा देर मडवे का कट्टा मैं लेके आई हूँ। अब करबला से तो मम्मी लेके जाएगी, हमको टुक टुक का इंतज़ार है, फिर वहीं से सही रहता है। बाप रे, अच्छा हुआ अभी बादल लगे हैं, अभी तक तो काफ़ी तेज़ धूप थी। थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं। अंजू तो कब के पहुँच गए हैं अल्मोड़ा, उन्होंने अपना काम भी कर लिया। रेस्ट जरूर बताओ, आधे किलो चाय। अभी हम मार्केट में पहुंच गए, अच्छा हुआ करबला से हमको गाड़ी मिल गई। अब अंजू को फोन करते हैं मेन मार्केट में। आपने यहाँ दूँ, ये देखो हमारा टोटल सामान इतना भारी है ना, सबसे ज़्यादा तो मडवा है। बाकी अंजू का वेट कर रहे हैं, ऊपर से आएंगे। तो
अभी हम लोग गाड़ी से उतर गए हैं, बाकी बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि सामान देखो हमारा इतना ज़्यादा है ना, पहले से ही ज़्यादा था, फिर और बढ़ गया है। अभी हम वेट कर रहे हैं, मम्मी या मीनू जुड़ जाएंगे, सामान लेके जाएंगे। सामान देखो हमारा, एक बैग अंजी के पास पहले से ही है, बाकी इतना एक्स्ट्रा है। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और इधर को भी मौसम बारिश का ही है। यहाँ पे हमको वेट करते करते कम से कम 10-15 मिनट हो गए हैं, बाकी मम्मी लोग नहीं आए क्योंकि इधर भी बारिश का मौसम हो रहा ना, तो घर में थोड़ा सामान रहे होंगे, क्योंकि यहाँ आने तक बारिश आ जाएगी तो फिर आफत निकलेगी। बाकी सामान इतना है ना, हम थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ सकते, काफ़ी भारी हुआ है। 4, 3, 4, 5, 6 बैग पूरे हैं। असली आफत तो मटबैग ने निकाली है, काफ़ी भारी है। एक जना अकेले तो उसी के लिए चाहिए, बाकी थोड़े और वेट करते हैं फिर चलेंगे घर को। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और मीनू और मम्मी सामान लेने आए थे, अब जाके थोड़ा शांति से, वैसे शांति से नहीं फिर भी काफ़ी सामान था। गाएगा रानू रानू मदीर क्यों ने लाइए पानी ला गए हमारे देवरानी जी हमारे लिए, धन्यवाद, पिला देते हैं। फाइनली आज अपने ससुराल पहुंच गए हैं और हम लोगों ने खाना भी खा लिया है दिन का, और अभी हम भैंस बात के बाहर आ गए। आजकल उसी टाइम पहले से ही है बाहर बांधने वाला। अभी मम्मी तैयार कर रहे हैं गांव में पूरी बांटने के लिए, अब हम जाएंगे पूरी बांटने। आज मायके से स्पेशली ये सब्जी आई है, ये लौकी सबसे बड़ी बड़ी तुम्हारे लिए है खाना। दोस्तों अब यहाँ आके लग जाते हैं अपने काम में, अब चलते हैं हम घास को। वैसे यहाँ मड्डे मादिरे का काम तो नहीं हुआ है, तो घास काटने की शुरुआत हो गई है, और सौज यहाँ घास काटने वाला आ गया है। हमने वैसे स्टार्ट नहीं किया है घास काटना, तो चलते हैं। हमारे खिलाने वाली घास में काफ़ी टाइम लग जाता है, आज से शुरू हो जाता है, हम कल से हम भी शुरू करेंगे सौज वाली घास काटना। फिलहाल अभी चलते हैं, खिलाने वाली घास हमारी हो गई है दो गुड़ाई, यहाँ से रास्ता भी साफ़ हो गया और घास भी बन गई है। अब तैयार करते हैं अपनी गुड़ाई। 4 गुढ़े हम घास लेके जा रहे हैं अभी घर के लिए, और ये है सुखाने वाली घास, तो 4 गुढ़े बराबर है। अब चलते हैं, बाकी 2-4 पू तो हमने यही रखे हैं, एक्स्ट्रा है, ज़्यादा हो गई। अब चलते हैं, बाप रे अभी इतने मच्छर आने लगे हैं ना। जो सुखाने वाली घास है उसको हम छत में ही डालते हैं आजकल, इस वाली घास को तो हम छत में ही सुखाने के लिए डालते हैं शायद। मम्मी भी लेके आ गए हैं, 4 गुढ़े परफेक्ट है, मम्मी थक गए हैं काफ़ी। शाम का मौसम देखो, बादल ही लगे हैं, यही मौसम होता है जो आजकल के दिनों में काफ़ी इंसानों को परेशान करता है। देखो खुला मौसम कहीं पे नहीं है, पूरा आसमान बंद है। अब चलते हैं नीचे, तो घास भी लेके आ गए हैं। पहले हम एक एक बारी खिलाने वाली घास घर डाल के गए थे, उसके बाद हम लाए सुखाने के लिए, तो अब इसको सुखाने के लिए तो कल ही डालेंगे, रात में कोई मौसम का भरोसा है नहीं, तो टाइम से आ गए हैं। अब चलते हैं ऊपर, घर भैंसों को बांधना हुआ, अब तो ये लोग घास ही कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं नितिन मिलूंगी कल आपको ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय दोस्तों।